जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर, गुढ़ा में मौजूद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राएं हुई बीमार। 8 छात्राओं के एक साथ बीमार होने से मचा हड़कंप। बिजली न आने से और हॉस्टल में भयंकर उमस के चलते बीमार हुई छात्राएं। इलाज के लिए सभी को CSC में कराया गया भर्ती। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर गुढ़ा में मौजूद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अचानक एक साथ 8 छात्राएं बीमार हो गई, जिससे विद्यालय में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सभी छात्राओं को इलाज के लिए जालौन CSC में भर्ती कराया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य गायत्री ने बताया कि पानी बरसने के बाद उमस बढ़ गई और विद्यालय में लाइट भी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हॉस्टल में भीषण गर्मी हो गई और सभी छात्राओं की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिनको इलाज के लिए CSC में भर्ती कराया गया है। जालौन से ये खबर हमारे संवाददाता अली जावेद ने कवर की है। विद्यालय से 8 बच्चियां जालौन CSC आई हैं, क्या मामला है पूरा? जी, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, लाइट रहती नहीं है, उसकी कटौती बराबर होती है। कल बारिश होने की वजह से उमस हुई, उमस की वजह से बच्चों का जी गंवा है, पेट दर्द हुआ, किसी को दस्त हुआ और रात में एक दो बच्चों को फीवर हो गया, तो इसलिए हम दिखाने चले आए। और इसके अलावा और कोई बात नहीं सर? ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।